ये जो खूबसूरत पेड़ मैं आपको दिखा रही हूँ ये है प्लम की, और पीछे वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तो फ्लावरिंग देखो पूरी ख़त्म हो गई है वैसे, क्योंकि सेटिंग होना स्टार्ट हो गई है अब, और बहुत सुंदर लगते हैं वैसे पूरे अब तो पत्ते। चले हेलो एवरीवन, मैं लत्तू स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर एंड ब्यूटी लत्तू। यहाँ पर ना शाम का टाइम हो रहा है, हम आए थे अपने घर में तो ये हमारा पुराने वाला घर के ब्लॉग देखना आपको बहुत पसंद है तो इसलिए सोचा यहाँ से ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। और ये पेड़ ना सच में इतने सुंदर लग रहे हैं ना कैमरा में, शाम का टाइम है तो इतना अच्छे से मैं कैप्चर नहीं कर पा रही इसमें, तो नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से फ्लावरिंग हुई है देखो, जब पत्ते नहीं होते ना बिल्कुल तो वाइट लगता है पूरा एकदम से, हमारा बगीचा भी ऐसा ही हुआ करता था, लेकिन अभी बगीचे नीचे आपको दिख रहा है ड्रम, तो यहाँ से पूरे जो नए पौधे लगे हैं ना उनमें पानी दिया जाता है दोपहर को यहाँ पे। और अब पीछे देख सकते हो सिवा, ये जब हम आए थे ना तब भी पीछे ही था और मैं जा रही हूँ तब भी पीछे ही है, जाती बार मुझे थोड़ा सा डर लगता है इसका क्योंकि नीचे को बैलेंस नहीं बनता इतने अच्छे से और गिर भी सकता है। और इसने साथ में गिटार भी पकड़ा हुआ यहाँ पे, इसका गिटार था, इसको म्यूजिक का शौक है तो इसने भाई गिटार भी बजाते बजाते आ रहा है, ये बोर नहीं करेगा। और इस भी देख सकते हो वहाँ पे पहुँच गई है पानी के पास, पानी पी लिया चले? नहीं मैं पैसे निकाल लूँगी अभी। क्यों, क्या लेना अपने पैसों का? ठीक है चिज्जी लेनी, चिज्जी ज़्यादा मत खाना ठीक है, बनस्पा ढूंढना सुबह बनस्पा ठीक है, चाय में डालने को ले जाएंगे, नीचे जैसे मिलेगा, ये नहीं है पर्पल कलर के अलग फ्लावर है ये, सिक्के। चलो आ जा आ जा आ जा, इसको मत बजा अभी भाई, बाद में आ जाओ। नहीं नहीं 10.5 का सिक्का ले, सुबी नींबू गिर रहे हैं वहां उस थैले से, आ जा। कब? अच्छा अभी चुप हो जाओ, ये बोल रहा है कुछ, क्या बोल रहे हो शिवाप? यहाँ यहाँ आएंगे अब छुट्टियों में, फिर से आ जाएंगे। वैसे आपको अच्छा लगता है यहाँ? अच्छा ठीक है तो आ जाएंगे। वैसे तो मेरे पास 30 रुपीज है पर मैं 10 नहीं यूज करूंगी, बचत करने मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, 20 रुपीज उधर लग जाएंगे मेरे। ठीक है चलो 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 वेरी गुड, पानी पीना है यहाँ, पानी पी लेते हैं। उसको बोला मैंने पार्टी देना हमें, उसके ये बोल रहा है गिटार कहाँ है वो जिसमें 2 टेडी बियर थे इसके, वो छोटे वाला छोटा वाला गिटार था ना एक, और इससे छोटा वो छोटे वाला, वो घर में रह गया, आपने पहले क्यों नहीं बोला, ऊपर देखा था मैंने घर में, ग्रीन कलर का जिसमें 2 टेडी बियर है, इससे छोटा है वो वाला गिटार बोल रहा है ये, वो तो उसमें आवाज ही नहीं आती है कुछ। हाँ ये वाला बड़ा है ना, ये वैसे मेरा है। किसने दिया था? पापा ने। हाँ बर्थडे पे लिया, मुझे बॉल भी ली थी, फट गई ये वाला, दीदी को दिया था बर्थडे पे, लेकिन शिवा बजा रहा है। मैंने डाल मंगाई थी, डाल तो मिली नहीं, फिर पापा की डाल ले आए थे। 5:30 हो गए, मजा आ रहा है इस पानी को पीने। ये फूल गिरे ना आपके बालों में, ऐसा लग रहा है ना यहाँ यहाँ से आप गंजे हो। मेरे बालों में गिरे हैं? हाँ यहाँ ना फ्लावर आए, ठीक है मामा गंजी नहीं हुए हैं। लो पानी पीना सिवा जा, बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे दोनों ही है ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम चल रहा है शिवा भी। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, चलो चलो क्या लेगा, बैलेंस बना के चलना है। हाँ बना के, हाँ वेरी गुड, चलो चलो। पैसे क्यों सारा लेना, बड़ा हो गया शिवा, बिग बॉय बन गया अब तो, बहुत अच्छे से चलता है। मम अगर तुझे दो ऑप्शन मिले, मम्मा चाहिए या दीदी, फिर किसको चुनेगा? बोथ का तो ऑप्शन ही नहीं है। मैंने बना दी ऑप्शन, बोलो मेरे को दोनों चाहिए। नहीं कभी एक चाहिए हो तो होगा बाज। हां ते भाई होगा कौन है? ताई जी के साथ जी जावा हो गया आज तो। नहीं मुझे लगता है ना वो दीवार तोड़ी नहीं है वहां पे, जो बोला था बनस पर ढूंढने को तुम ढूंढा नहीं मिला, वहां पे दिख रहा है मुझे फूल, कहां है? सुबह को दे दो एक दो खाने को, चलो 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 वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे भी है, ये रहा इधर, खा लो सिवा खाना अपने फूल बनस्पा। सही मैं दस से खा रही हूँ, पीला फूल बोल रहा है खाने को। नहीं पीला नहीं खाना, हाँ ग्रीन फूल खाना है, चलो अब चलो जल्दी। ग्रीन नहीं व्हाइट,
पर्पल जैसा होता है ये। तो मम्मा भी बोलेंगे। क्या बोलना है? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच में चांदी रही हाथ में चटनी चटाई। अच्छा गिटार ले ले भाई, सड़क में पहुंच गया, अब इसको अपने गले में डालना है। वैसे मेरे पास दे दिया था। एक और बोलोगे आप अंकुश से? पके पेड़ में पका पपीता, पका पेड़ में पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंगो, पिंगो पकड़े पका पपीता, पके पेड़ पके पेड़ में पका पपीता, पिंगो पकड़े पका पपीता। गलत बोल रहा है, आप बोल के दिखाओ गाइस। अगर आपको नहीं क्लियर हो तो मैं फिर से बोल दूं एक बार। पके पेड़ में पका पपीता, पका पेड़ में पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंगो, पिंगो पकड़े पका पपीता। ये नहीं मेरे से बोला जाएगा। आई एम हारिंग हारिंग करनी थी ना। ये खड्डे देखो, खड्डे का पानी भी अब सूख चुका है बारिश ना होने की वजह से। और वो रहा बेचारा घराट जो खंडर बन चुका है अभी। क्या है? ये घराट था पहले। वो क्या होता है? घराट होता है जिसमें आटा पिसाते हैं। किसी दिन आप हमें सिंधी खाने लेके चलना। क्यों? अभी यहाँ से दिख रहा है क्या? यहाँ से भी तो अच्छा दिख रहा है। अंदर कुछ नहीं होगा। अब अंदर मेरे दादा का भी होता था, पता है आपको? अभी भी है शायद। अगर कभी जाना हो तो मैं दिखाऊंगी जरूर। प्लीज, चलो प्लीज, चलो प्लीज, 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 ठीक प्लीज, है कभी प्लीज, करेंगे विजिट। चलो वो छोड़ो, वो वाला पेड़ देखो। कौन से वाला? वो साइड में। कहाँ? उधर उधर। कहाँ? क्या हुआ? ओ वाला पेड़। क्या हुआ उसको? देखो कितना बड़ा। हाँ फ्लावरिंग से। बस शांत हो गया। वेरी गुड। ओए रैपर किसने फेंका? हे भगवान। तो इसके बाद मैं पहुंच गई थी घर में, और घर में पहुंच के पता क्या, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ पाम ट्री, मतलब जो हम लाए थे ना उस दिन प्लांट्स। तो वो देखिए एक बिल्कुल ख़राब, इसके पत्ते बिल्कुल मुरझा गए हैं, तो और बाकी ये भी ये उन्होंने पहले से लाया था। तो मुझे लग रहा था कि डायरेक्ट सनलाइट इन पर पड़ रही है, तो मैंने क्या किया यहाँ से उठा दिए दोनों, पीछे रख दिए, क्योंकि यहाँ पर सुबह की धूप सामने लगती है और इन पेड़ों को धूप नीचे होती ज़्यादा। तो फिर मैंने यहाँ से उठा दिए, दो उठा के उधर को रख दिए कि देखेंगे ठीक है अभी या नहीं है। और ये यहाँ पे भी है चाइना पाम। मठा बोला है मेरा क्या कमाया है पार बात कुछ आ? क्या बोले हैं तीनों दारा खड़ी थी। हो गई है रात, मतलब रात के 9 बज रहे हैं, और मैं ले जा रही हूँ दादी को पानी की बोतल। दादी ने मांगी थी कि गर्म पानी की बोतल चाहिए मुझे, तो उसमें पानी मैंने, हॉट बैग है ये। दादी दादी लवा बोतल पानी दादे। मॉर्निंग गाइस, अभी देखो सुबह का टाइम हो रहा है, मैं बना रही थी इनके लिए लंच, और सुबह के अभी हो रहे हैं 6:30 नहीं अभी हुए हैं, 6 बजे मैं उठ गई थी, और अभी सुबह को उठा रही हूँ। सुबह उठ जा, सुबह शाम को मेरी सास सोई थी, सिवा अपनी ताई के साथ सो गया है, उन दोनों की लड़ाई हो रही थी सोने के लिए। लो सुबह उठो प्यारे बच्चे, लो पानी। वेरी गुड, अभी सिवा को भी उठाना है। लो वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, लो वेरी गुड। और ये रहा आपका चमनप्रास, लो चमनप्रास, नीचे नहीं रख सकती, हाथ में पकड़ना पड़ेगा। अच्छा मैंने नानी के लिए पानी लगा दिया है, चले जाओ सीधे नानी है ना। ओके दादी ठीक है, लेट हुई है। हाँ आ जाना भी जल्दी, ठीक है। फाइनली भैया अभी हम बस से उतर गए हैं और हम पहुंच गए हैं सुंदरनगर में। हाँ ठीक है ठीक है, पर्स भी लेकिन ऐसे चूस चूस के भरा है, और हमारे पास बहुत सारे थैले हैं, 200 भी उठाए हैं। ये ले लो, मैं ये लेती हूँ। ठीक है कुछ नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे सुबह जा रही है स्कूल तैयार होके, और ये रहा पीछे से शिवा आता हुआ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी। और शिवा को मैंने छोड़ दिया है स्कूल में, और उसके बाद मैं दूध भी ले आई हूँ जिसका मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। एक्चुअली दूध लाने में पहले चली गई थी जब तैयार नहीं किया था बच्चों को, और तब। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ अभी, मैं खा रही हूँ परांठा, ये पनीर के परांठे मैंने सुबह सुबह उनको लंच दिया था सुबह और शिवा को। तो सोच रही हूँ अभी पनीर का परांठा खुद भी खा लेती हूँ, अपनी आप भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर देखूँगी कुछ लंच में।
और उसके बाद मुझे ढेर सारी क्लीनिंग भी करनी है, क्योंकि सामान अभी बिखरा पड़ा है, कुछ जो घर से लाया वो भी सेट करना है। देखती हूँ दूध की बॉटल मेरी इधर ही पड़ी है, तो चलिए भाई पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। किस किस को पनीर का परांठा खाना पसंद है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए भाई ब्रेकफास्ट हो गया, अभी फटाफट से गाड़ियाँ वगैरह उठा लेती हूँ। इसकी गाड़ियाँ मैं एक थैले में भर देती हूँ, मतलब ये इसको ये वाली गाड़ी इसकी फेवरेट है, तो इसको आखिर चाहिए। अभी भी जब घर से आया तो बोल रहा था कि मम्मा मेरी गाड़ी कहाँ, येलो कार कहाँ है, मैंने उसको रेड दी, येलो मिली नहीं। बाद में खुद ही बताया था कि मैंने बैग में डाली है, तो स्कूल बैग में उसने डाल दी थी, फिर मैंने निकाली, यहाँ से इसने तोड़ भी दी है ये। चलिए अभी उठाती हूँ उनको फटाफट से और इनको डाल देती हूँ मैं यहाँ पर। उसके टॉयज इस तरह से डालती रहती हूँ मैं, क्योंकि उसको बार बार यूज़ करने होते हैं, सुबह सफाई होगी रात को फिर से वही हाल होगा। जब मैं पुराने घर गई थी ना कल, तो यहाँ मैं देख रही थी, मैंने कहा मेरा कुछ सामान अलमारी के अंदर देख रही थी, तो एक साड़ी ऐसी थी जो मैंने यूज़ ही नहीं किया, अभी ऑनलाइन मंगवाई थी, पता नहीं कब की मैंने मंगवाई है ये, मुझे लगता है साल दो साल हो गए इसको मंगवाए हुए। तो ये अभी तक इसका ब्लाउज मैंने स्टिच नहीं किया था, तो उसको ले आई मैं यहाँ पे, सीक्वेंस वर्क वाला ब्लाउज है देखो, इसको मैंने कहा स्टिच कर लूँगी। और इसकी साड़ी मैंने सोचा था कि इसका जो फैब्रिक है ना ये नेट का है, और बॉर्डर भी इसमें है देखो, हल्का थोड़ी थोड़ी लाइनें, ये लाइनें वाली ये सीक्वेंस लगा इसमें, तो मैंने सोचा था कि ये जॉर्जेट की होगी, लेकिन ये निकली इसकी क्या बोलते हैं यार नेट की। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको मैं सोच रही हूँ या तो स्टिच कर लूँगी इसको, या तो कुछ ना कुछ इसका करूँगी ज़रूर, या फिर मैं सुबह के लिए कुछ बना दूँगी इसका, पता नहीं क्या करूँगी मैं अभी, जो भी करूँगी वो शेयर होगा आपके साथ भी नेक्स्ट टाइम। ठीक, और दूध वगैरह उठा लेती हूँ। और ये वाला फैब्रिक मैं दिखाऊंगी आपको, जैकेट का फैब्रिक है ये, मैंने कब से लिया हुआ था, अभी सोच रही हूँ कि वीडियो जैसे बनानी है तो उसके लिए मुझे फैब्रिक चाहिए होता है, मैंने कहा ये भी बनाऊंगी, तो इसका भी जब बनाऊंगी कुछ तो आपके साथ शेयर करूंगी ज़रूर। तो यहाँ पर मैं जो सब्जी लाई थी वो मैं निकाल रही हूँ, मैंने कहा इनको भी खाली कर लेती हूँ थैलों को। फट चुका है ये, उसी टाइम फट गया था जब मैं घर से ला रही थी सब्जियाँ, तो फिर मैंने और लिफाफा ले लिया था। अब भी फटाफट से ये सब्जियाँ वगैरह मैं खाली कर लेती हूँ, इनको जो फ्रिज में लगाने की है वो मैं फ्रिज में लगा दूँगी, बाकी जो यहाँ रखने की है वो मैं बाहर रखूँगी, इनमें से तो कुछ सब्जी मेरी बनेगी भी। चलिए इनको मैं फटाफट से अब क्लोजिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में, और ब्लॉग को भी हम ख़त्म कर देंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, तो यहाँ पर लग गई है बारिश, सुबह का टाइम हो रहा है और मैंने कपड़े बाहर डाले थे, सोचा कैमरे के सामने आकर बात करती हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं अभी ना लंच कर रही थी, मतलब मैं 11 बजे लंच कर रही हूँ, अभी 11 बज रहे हैं सुबह के, और नेक्स्ट डे हो गया है, कल मैंने ब्लॉग को ख़त्म नहीं किया था, अभी बस बच्चों को स्कूल भेज दिया है, कल से बच्चों के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए हैं, और दो दिन का हाई अलर्ट है यहाँ पर बारिश का, मौसम ख़राब हुआ था, अभी मुझे बैंक का जाना था, कुछ काम था बैंक में, तो बस बारिश लग गई, सोच ही रही थी कि बस अभी चलूँगी एक घंटा भर में शायद मैं निपट जाऊँगी, मतलब 11:30 बजे तक मेरा प्रोग्राम था कि निकल जाऊँगी, लेकिन अब बारिश लगी है तो मैं प्रोग्राम कैंसिल कर दूँगी। और शूज़ भी मेरे बाहर हैं, उनको मैं उठा लेती हूँ, सबसे पहले मौसम के नज़ारे दिखाती हूँ आपको। बहुत टाइम के बाद अभी बारिश हो रही है, वो भी पता नहीं ऐसे ही बूंदाबांदी लगी है, मौसम तो कुछ क्लाउडी बन गया है आज पूरी तरह से, दो दिन का अलर्ट है, होप कि बारिश हो जाए बस। के साथ भी आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ, मुझे दो वीडियो आज शूट करनी है, एक एसएच फैशन वर्ल्ड के लिए, एक नेटिंग के लिए, हो सकता है ब्लॉग चैनल में आपको ब्लॉग बहुत कम देखने को मिले, क्योंकि ब्लॉग में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा, तो मेरा भी मन नहीं कर रहा बनाने को। चलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ठीक है, और ब्लॉग को शेयर करोगे तो शायद आगे कंटिन्यू कर पाऊँ, अदरवाइज़ हो सकता है इसमें बहुत कम वीडियोज़ आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।